गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और जय माता दी। तो आज नवरात्रि के दिन ही चल रहे हैं। आज क्या मतलब, नवरात्रि के दिन तो चल ही रहे हैं। तो अभी मैं नहा करके आ चुकी हूँ और सुबह की जितनी भी डस्टिंग वगैरह, झाड़ू पोछा, सारे काम मेरे हो चुके हैं। और नहाने के बाद अब मेरा सीधा काम सबसे पहला होगा कि मुझे करनी है पूजा। तो वो पाठ वगैरह कर रही हूँ तो थोड़ी सी ज़्यादा देर लग जाती है पूजा में। तो चलिए करते हैं आपके साथ पूजा। तुम संसार शक्ति लोकी ना पालन है तो अन्न दंडी ना अन्नपूर्णा हुई जग बाला तुम्हें याद सुंदरी वा लय गजंपति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचारे अति शोभिते बर मुद्रा धारी मैया बर। ये लीजिए, आप सभी लोग आरती ले लीजिए, माता रानी की जय कर लीजिए। तो और पूजा उजा होने के बाद अब मैं इनको देने जा रही हूँ बेडरूम में नाश्ता, क्योंकि आज उधर ही बैठे हैं ये लोग, क्योंकि गर्मी आज बहुत ज़्यादा है इस वजह से। और आज नाश्ते में है सब्जी पराठा, और मैं सही बताऊँ आपको तो सब्जी कल की है, उसको मैंने गर्म कर लिया अच्छे से, और पराठे और चाय और साथ में बुकनू। और बाकी मैं खाने की तैयारी आज जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कहीं पर जाना है बगल में अपने पड़ोस में ही, तो वहाँ पर है सत्यनारायण की कथा, तो उसमें शामिल होना मुझे बहुत ज़रूरी है। 2 दिन पहले से ही मुझे मतलब बोल दिया था उन्होंने, तो इसी वजह से मैं खाने की तैयारी करके जाऊंगी। अभी टाइम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, वही 11 बज रहे होंगे, लेकिन फिर भी चाय नाश्ता करते करते 11 बज ही जाते हैं। तो आज आलू के पराठे बनने वाले हैं, क्योंकि इन सबकी जिद है और काफ़ी टाइम से बने भी नहीं थे, ये भी है। और शाम को अगर मैं चाहूँ कि मैं शाम को बना लूँ, तो शाम को ये मेरे हस्बैंड रहेंगे नहीं, वो चले जाएंगे ड्यूटी। तो चलिए फिर आपको हम ले चलते हैं सत्यनारायण की कथा सुनवाने, तो वहाँ मिलेंगे आपसे। थोड़ी देर पहले ही आई हूँ कथा से, सत्यनारायण भगवान की कथा थी, मैं वही हमें लगता 11:30 बजे चली गई थी। तो इन लोगों को चाय नाश्ता करा के उसके बाद चली गई थी। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ खाना, और अभी टाइम वही 1:00 बज रहा होगा। खाना बनाने में कुछ करना नहीं है ज़्यादा, तैयारी करके रहते, पीछे AC चल रहा है। देख रहे, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, बहुत भयंकर धूप हो रही है आजकल, पता है आपको, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसलिए AC चलाना ही पड़ रहा है। और ये बच्चों को इधर ही पढ़ा रहे थे ना, ये देखिए यार वही पढ़ रही है, तो यहीं पढ़ाई हो रही थी इनकी, दो घंटे करीब। अभी 1 बज रहा है, तो मैं आलू के पराठे की तैयारी करके गई थी, तो आज बनेंगे आलू पराठे, क्योंकि इन लोगों को खाने हैं, इन लोगों की डिमांड है। मैंने बोला दाल चावल सब्जी रोटी पूरा खाना बना ले, लेकिन नहीं, आलू के पराठे ही खाने हैं, बहुत दिन से बने भी नहीं थे हमारे यहाँ। तो चलिए बनाते हैं आलू पराठे, और साथ में पता है आपको ड्यूटी भी आ चुकी है, तो ये कर रहे हैं अपनी ड्यूटी की तैयारी। तो मैं फटाफट से बनाती हूँ आलू के पराठे, और मैं ना तैयारी सब करके गई थी पूरा। आलू है, और इधर आटा भी लगा रखा है, ये देखिए, और ये देखिए बच्चों ने खाया प्रसाद किस तरह से पूरा फैला के वो कर दिया है। तो चलिए जल्दी से पराठे, लेट ना करें वरना देर हो जाएगी इनको ड्यूटी को, और कोई बात नहीं है। आज पता है क्या हुआ मेरे साथ में, ये वही 4 बजे करीब ड्यूटी चले गए सब कुछ होने के बाद,
3:15 की ड्यूटी थी, फिर उसके बाद कैंसिल हुई, फिर दोबारा ड्यूटी आई तो 4 बजे ड्यूटी गए। उसके बाद मैं थोड़ी देर मतलब फ़ोन में एडिटिंग वगैरह ही कर रही थी। मैं क्या करती हूँ, जैसे मेरे वीडियो वगैरह थोड़े थोड़े बनते जाते हैं तो मैं उनको जोड़ती जाती हूँ, तो मेरी थोड़ी थोड़ी एडिटिंग मतलब करके एडिटिंग करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे पूरा एक साथ टाइम नहीं मिल पाता है। बच्चे वच्चे सब ऐसे ही मतलब पूरा चलता है, और मेरे ऊपर फ़ोन इतनी तेज़ गिरा कि मेरे नाक में चोट लग गई। इतनी तेज़ मुझे मतलब नींद आ रही थी, मैं इतना थक रही थी, समझ लीजिए आप कि ऐसे हो जाता है, क्या कर सकते हैं। पूरे दिन कब सुबह होती और सुबह से शाम हो जाती है, एकदम पता ही नहीं चलता है। और उसके बाद ये देखिए एक नया काम मैंने निकाल लिया जो कि मुझे करना ही था, कई दिन से मैं सोच रही थी। पहले हमारे कंटेनर के जो बॉक्स के ढक्कन थे, और ये सारे ढक्कन जो हैं ये जेम की बॉक्स के हैं, जेम के डिब्बे जो होते हैं उनको ही मैंने अच्छे से साफ करके कलर करके, मतलब लगभग साल भर करीब हो गया होगा तब से मेरे इस तरह से ये जार के जो कैप थे वो ग्रीन कलर के थे। तो मेरा मन थोड़ा सा ना बोर हो गया था, कभी कभी होता है ना किसी चीज़ से मन भर जाता तो ऐसे लगता है चलो इसको चेंज करके देखते हैं, तो वो चीज़ थोड़ी सी अच्छी लगेगी। कहते ना जीवन में बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो किसी भी चीज़ के लिए हो तो बदलाव करते रहना चाहिए। तो ये देखिए एक मेरा पॉट है, ये भी काफ़ी इसका कलर वगैरह चला गया था, और काफ़ी पुराना है भी, ये लगभग 5 साल पुराना होगा मुझे लगता है, आई थिंक 5 नहीं तो 4 साल पुराना तो है ही। तो उसको भी मैंने अच्छे से कलर कर दिया है गोल्डन कलर से। और इन सबको, ये बॉक्स देख रहे हैं, इन सबको मैंने पहले एक कोट दिया है और कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद ये फाइनल टच उसमें दिया है, फिर मतलब दोबारा दूसरा कोट दिया है तब वो अच्छा आया है। और आज ये काव्या तैयार हो चुकी है और आज हम लोग जा रहे हैं दांडिया खेलने। और अभी आरोही के ये देखिए कपड़े रखे हैं, आरोही भी लहंगा पहनेगी और मैंने तो साड़ी पहनी है, सिंपल मैंने वही पहन रखी थी, वही ज़्यादा कुछ नहीं। तो हमारे घर के पास में ही मंदिर है ना माता रानी का, तो वहीं पर बस दांडिया होगा। और अभी टाइम वही 8 बज रहा है, हम लोगों का हो गया है, खाना पीना सब हो चुका है, क्योंकि आज जल्दी खाना कर लिया क्योंकि आज जाना था और बच्चे बहुत ज़्यादा जीत, ये जहाँ पर ट्यूशन जाती है ना मेरी काव्या, तो वो मैम ने इसको बहुत ज़्यादा बोला था कि नहीं आना है आना है, तो इसी वजह से आज हम लोग जा रहे हैं। तो अभी तैयारी सारी हो गई, बस मुझे थोड़ा सा कर लूँ और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। आ जाओ आ रो जल्दी कपड़े पहनो फटाफट से, ले जाओ उस रूम में पहन के आओ चेंज करके जल्दी से। आरोही मेरी लहंगा पहनेगी अभी, आप देखें कितनी सुंदर लगेगी, और काव्या बाल सुधारने में लगी हुई है। तो चलिए फटाफट से तैयार हो जाते हैं और आपको मिलते हैं मंदिर में, ठीक है। और शाम का खाना ना बहुत जल्दी 8 बजे ही हम लोगों ने खा पी लिया था, क्योंकि हमें 9 बजे वहाँ दांडिया खेलने के लिए निकलना था इस वजह से, और वहाँ से लौटते लौटते हमें बज गए थे 10:30, और 10:30 बजे हम घर आ गए थे। तो ये दिल लीजिए संतोषी माता मंदिर है ये, तो लीजिए संतोषी माता जी का आप भी दर्शन कर लीजिए, बहुत अच्छा लगा वहाँ पर जा करके। इतने सारे लोगों से हम मिले और दांडिया खेला, और उसमें ना म्यूजिक नहीं लगा सकती क्योंकि आपको पता ही है कि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, इस वजह से ये शिवलिंग भी है वहाँ पर। तो इस तरह से बहुत सारे लोग, और उस दिन का थीम था आज का मतलब कि सबको लहंगा ही पहन के आना है, तो बच्चे तो मेरे लहंगा पहन के ही गए थे और भी सभी लोग वहाँ पर लहंगा। और मुझे ना आप मानेंगे नहीं, मुझे दांडिया खेलना नहीं आता बिल्कुल, और इस तरह का के प्रोग्राम में ना को मैंने फर्स्ट टाइम ही अटेंड किया है, मैंने कभी अटेंड नहीं किया। मैंने दांडिया वगैरह टीवी पर ही देखा है बस, रियल में मतलब पहली बार देखा है, आप मानेंगे नहीं। तो हमारी माता रानी का ये प्रोग्राम कैसा लगा आपको, तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए बाय।